पता लापता, पता पता मीन्स एड्रेस, लापता मीन्स लॉस्ट, एड्रेस लॉस्ट. अब हमने ये एड्रेस लॉस्ट करके ये अता पता लापता नामक फिल्म बना के अपने जीवन में एक नया पता खोजने की कोशिश की है. और अब एक म्यूजिकल सटायर है, एक ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिकल क्योस है. आपको अंदर क्या बताऊँ, बड़ी गंभीर विषय वस्तु है, बड़ी चिंतन करने वाली फिल्म है. फिल्म इन थिएटर, चूँकि हमारी अपकमिंग थिएटर से है तो हम ये थिएटर को डेडिकेट करना चाहते हैं फिल्म, और चूँकि हम सिनेमा से हमारा जीवन बना है तो हम सिनेमा को डेडिकेट करना चाहते हैं. और साथ में जो देश दुनिया की ऑडियंस से जिससे हमें किचन किचन में प्यार मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है, तो हमारे देश की दुनिया की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ ये फिल्म. रिमिक्स मतलब जो हमारी धरोहर के रूप में हमारी कल्चर, हमारे कलर, हमारी संस्कृति, तो उसकी उसकी चादर पे जो है हमने ये सब्जेक्ट रख के एक म्यूजिकल, ताकि हर दो चार मिनट में आप खूबसूरत लाइन मिले, हर दो चार मिनट के बाद आप खूबसूरत डायलॉग मिले, और उसके साथ में खूबसूरत आपको जो है प्रेजेंटेशन मिले, और साथ इसके साथ में आपको मीनिंग मिले और आपको मोटिवेशन मिले. और साथ में राजपाल यादव हैं या कोई भी हो, सिनेमा का दूसरा नाम है मनोरंजन, मनोरंजन कूट कूट के मिले. अता पता लापता ये टाइटल इसलिए कि राजपाल की जिंदगी कोई नया पता मिल जाए सता पता लापता से. ये फिल्म अपने आप में किरदार है, ये सब्जेक्ट अपने आप किरदार है. इसमें कोई जो किरदार है वो इस कहानी के हिस्से हैं, क्योंकि व्यंग्यात्मक फिल्मों में किरदार की पर्सनल कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि व्यंग्यात्मक फिल्मों में या व्यंग्यात्मक ड्रामे में का जो भी किरदार कहानी बोलता है या डायलॉग बोलता है उसका मीनिंग कहीं ना कहीं सिंबॉलिक कुछ दूसरा होता है. इसलिए हमने फुल फिल्म को डिज़ाइन करने की कोशिश की, फुल फिल्म को जो है एक एक किरदार बनाने की कोशिश की है, और वो आपके सामने अभी है. इसमें पर्टिकुलर राजपाल यादव ने क्या किरदार किया है या किसी दूसरे ने क्या किरदार किया है वो हमारे लिए माने नहीं रखता है. फिल्म का सब्जेक्ट और फिल्म की जो थीम है वो क्या किरदार प्ले कर रही है उस पर बहुत फोकस किया है. मानव चतुर्वेदी मानव मनुष्य का रिप्रेजेंटेशन है, सत्यानंद चतुर्वेदी जो है वो सत्य का रिप्रेजेंटेशन है. एक सत्य बोलता है और एक समस्याएं बोलता है. इस चीज़ के ताने बाने के बीच में लगभग 170 कलाकारों की एक टीम ने इस फिल्म को जो है डिज़ाइन करने में अपना सहयोग दिया है, और पूरे सबका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि ये एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट था, उसकी पेशगी बड़ी सरल थी. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बनाना, क्योंकि पूरी फिल्म लगभग लगभग बीट पे है, जिसमें जिसका जिस इसमें म्यूज़िक जो है वो कहानी, जो कहानी ड्रामा के थ्रू परफॉर्म कर पा रहे हैं और जो ड्रामा के थ्रू परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसको गा बजा नाच के और बोल के कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए म्यूज़िक और कहानी, डांस, गाना बजाना, डायलॉग सब एक दूसरे के कज़िन हैं इस फिल्म में. बहुत अच्छा कि समीर भाई को एक दिन प्रार्थना करके बुलाया हमने, कि समीर भाई आपने हजारों गाने लिखे हैं, ये एक फिल्म है जिसमें कोई गाना नहीं है लेकिन पूरी फिल्म म्यूजिक है. तो बोले ये कैसी फिल्म है जिसमें कोई गाना नहीं है लेकिन पूरी फिल्म म्यूजिकल है. तो मैंने कहा मैं बताता हूँ. लगभग मुझे 4-5 घंटे लगे फिल्म की थीम बताने में, और बड़ी अच्छी बात समीर भाई ने मुझे कॉम्प्लीमेंट के रूप में दी कि राजपाल इतनी देर से तुम फिल्म की थीम के बारे में अलग अलग पहलुओं से इसको एनालाइज कर रहे हो. तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने अभी तक लगातार लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, सिचुएशन पे बहुत कम ध्यान दिया था. तो ये पहली फिल्म है जिसमें हमें फिल्म की सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया. और जो कहानी है, कहानी के कुछ जो डायलॉग बोल के हम सुना रहे हैं और जो कहानी के डायलॉग के थ्रू नहीं सुनवा पा रहे हैं वो नाच गा बजा के, ढोलक की थाप पे, कभी ठुमके लगा के वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, पर्सनली बिल्कुल एक इंसान के रूप में कहना चाहता हूँ, एक सामाजिक इंसान के रूप में कहना चाहता हूँ, एक देश के नागरिक होने के नाते कुछ कहना चाहता हूँ, और एक परिवार का रिस्पॉन्सिबल सदस्य होने के नाते कुछ कहना चाहता हूँ. तो अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखना चाहता हूँ.
और ये विचारों की फिल्म है, जैसा हमने पहले कहा चिंतन की फिल्म है, और एक विचार आया तो वो विचार आप फिल्म देखते देखते आपको अपना विचार लगने लगे तो शायद हमारा फिल्म बनाना सार्थक हो जाएगा।